व्हाट्सअप, कैसे हम सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय सेल्फ अंकित गौतम, और आप देख रहे हैं मेड इन जेई पीसीएम क्लासेस। तो आज जो हम करेंगे टॉपिक, वो करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ था प्रेपरेशन ऑफ अल्किन्स में, तो आज करेंगे हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म। उसकी रिएक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दी थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए इसका मैकेनिज्म करते हैं। इसके लिए हम इथाइल अल्कोहल लेंगे, जिसका फॉर्मूला है CH3CH2OH। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होता है कि आपके ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है। ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की आपका जो है उसके बैलेंस सेल में एट एटॉमिक नंबर है उसका, और सिक्स उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इट मींस आपके यहाँ पे एक एच और एक एच, ये एच यहाँ पे नहीं होगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये एच यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपका ये, क्योंकि ऑक्सीजन के आपके बैलेंस सेल में छह इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका मैकेनिज्म। प्लस आप करेंगे एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव आप H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं, वहां पे एच पॉजिटिव एंड HSO3 नेगेटिव बाहर निकल जाता था, यहाँ पे एच पॉजिटिव है, ये एक फॉर्म ऑफ एसिड है। तो यहाँ पे पता क्या होता है, जो आपका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे चला जाता है, इट मींस आपका जो ये एच है ना पॉजिटिव, ये इसके ऊपर प्रोटोनेटेड हो जाता है, क्योंकि इसके साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, क्योंकि आपने यहाँ पे अपना एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक तो इसके पास पहले था जो आपने एच पॉजिटिव से लिया है, ये वाला आपने एच पॉजिटिव से ले लिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो रह गए, क्योंकि आपने इसके साथ लिया है, और एक इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसे आप बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जब ये अब आपके पास दो स्टेप में होगी, ठीक है, पहले ये अब स्लो में होगी, ये रिएक्शन स्लो में, ठीक है। जब ये स्लो में हो जाएगी ना रिएक्शन, तब यहाँ पे आपका ये CH3CH2, जो ये ना पॉजिटिव चार्ज है इसका, इट मींस ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, जिस कारण ये आपके पास CH3CH2 कंपाउंड दे देगा, CH3CH2 साथ में यहाँ पे CH2 दे देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये इस साइड को चला जाएगा, इस साइड को जब चला जाएगा और आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, प्लस H2O बाहर निकल गया, ठीक है। इसमें पता क्या हुआ, आपका ओ वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन इसके जो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की, वो क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट टेंडेंसी उसकी वो इंक्रीज कर देगा। फिर जैसे ही आपका ये कंपाउंड निकला, इसको आप कार्बोकैटायन भी बोल सकते हैं, ये निकला, फिर इसकी रिएक्शन करेंगे, तो इसको जब आप रिएक्शन करेंगे तो ये फास्ट होगी, फास्ट फास्ट जो ये आप रिएक्शन करेंगे, जब ये फास्ट रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपकी H2 रिलीज हो जाएगी और आपके पास इथीन कंपाउंड बन जाएगा, जो इसका मैकेनिज्म है CH2 प्लस H पॉजिटिव। अब आपको इसका जो PDF है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो देख सकते हैं हमने उसमें किया मैकेनिज्म आपका 3 स्टेप्स में किया। पहली बात मैंने आपको वीडियो में बताया था कि डिहाइड्रेशन का मतलब है कि आप रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे एंड फॉर्म करेंगे एल्कीन, जैसा कि आपका CH3CH2OH, यहाँ पे क्या किया, OH आपका एटॉमिक नंबर 8 है, 6 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इट मींस 1 2 3 4 5,
जब यहाँ पे एच पॉजिटिव है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये आपके पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल दे देगा, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया जिस कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। जब पॉजिटिव चार्ज आया तब इसकी रिएक्शन स्लो होगी, क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज है और आपका ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी जो क्या कर देता है आपकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन को फास्ट करते हैं, क्योंकि आपको अल्कोहल टू इथीन बनाना था, अल्कोहल टू इथीन जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो डिहाइड्रेशन से क्या होता था, रिमूवल ऑफ वाटर इस प्रकार होता था जब आपका एच पॉजिटिव रिलीज हो जाता था। तो आज की वीडियो यहीं पे ही कंप्लीट होते हुए, कल की जो हमारी वीडियो होगी वो भी इसी बेस्ड होगी, मैकेनिज्म के बेस, लेकिन उसमें हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ए अल्कीन्स में, अल्कीन्स के बारे में। तो अलविदा दोस्तों, जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।